लोकसभा चुनाव की नजदीकियों के साथ बड़ी संख्या में कांग्रेसी हर दिन बीजेपी में जा रहे हैं, तो वहीं ऐसे में नेताओं में जुबानी जंग भी हो रही है। आरोप प्रत्यारोप के दौर में देपालपुर के पूर्व विधायक विशाल पटेल के एक बयान को लेकर कांग्रेस प्रवक्ता ने पलटवार किया है। दरअसल कांग्रेस प्रवक्ता अमीनुल सूरी ने कांग्रेस के पूर्व विधायक रहे और वर्तमान में भाजपा में समाहित हो चुके विशाल पटेल को लजब ठीकरा कहा है। वही जानकारी के अनुसार उस जुबानी जंग की शुरुआत भी कांग्रेस के नेता ने ही की थी। कांग्रेस के पूर्व विधायक सत्यनारायण पटेल ने एक सवाल के जवाब में मीडिया के सामने भाजपा में जाने वाले कांग्रेसियों को कचरा कहा था। इसके बाद विशाल पटेल का एक बयान सामने आया था, जिस पर पलटवार करते हुए कांग्रेस नेता अमीनुल सूरी ने आज फिर जुबानी हमला बोला है। देखिए, विशाल पटेल का सिर्फ नाम ही विशाल है, ये तो वो लजाऊ ठीकरे हैं जिन्होंने जगदीश पटेल जी को भी लजवा दिया था जिला पंचायत के चुनाव के अंदर। वो तो भला हो कांग्रेस पार्टी के सिंबल का, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं का और जगदीश पटेल स्वर्गवासी कांग्रेस नेता जगदीश पटेल की पुण्याई का कि ये 2018 में देपालपुर विधानसभा से विधायक बनने का इन्होंने कार्य पूर्ण किया। ये इतने बड़े लजाऊ ठीकरे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की देपालपुर की मीटिंग के अंदर भी इनको बुलाया नहीं जाता है। कि सत्यनारायण पटेल साहब ने टिप्पणी की थी कि कांग्रेस से जो कचरा है वो धीरे धीरे बाहर होता जा रहा है और कांग्रेस पार्टी सत्यनारायण पटेल साहब की जो टिप्पणी है उस पर कायम है और भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छे से समझती है कि किसकी क्या उपयोगिता है। तभी चाहे विशाल पटेल जी को देपालपुर की मीटिंग के अंदर नहीं बुलाया जा रहा और लगातार जिस तरह से हमारे प्रदेश अध्यक्ष पर विशाल पटेल जी आक्रमण कर रहे हैं, तो मैं पूछना चाहता हूं कि प्रदेश अध्यक्ष जब तत्कालीन युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष थे, जब जिला पंचायत का चुनाव हारने के बाद राजनीतिक भ्रूण हत्या विशाल पटेल जी की हो गई थी, तब हमारी तो आंखें गवाएं कि बीजलपुर के अंदर किस तरह से खड़े होकर हाथ पैर जोड़ के माननीय प्रदेश अध्यक्ष युवा कांग्रेस तत्कालीन जीतू पटवारी जी से जिला युवा कांग्रेस का पद विशाल पटेल लेके आए थे। तो वो दिन विशाल पटेल जी को नहीं भूलना चाहिए, आंखों की शर्म रखना चाहिए। मैं तो ये कहूं कि बीजेपी एक विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, अगर हमें स्वीकारा है तो कुछ ना कुछ सोचा होगा। और रही बात, मैं धन्यवाद भी देता हूँ माननीय मोदी जी को कि हमें कम से कम उनके परिवार में स्वीकारा है। और रही बात सत्यनारायण पटेल की कि वो कहते हैं कचरा, तो मैं तो ये कहूँगा कि जनता ने उन्हें पहले ही कचरा समझकर पांच पांच बार ठुकरा दिया है, तो ये खुद समझ सकती है कि कचरा कौन है। और ये कह रहे हैं कि शामिल होने जा रहे हैं बीजेपी में, कुछ और नेताओं के नाम भी शामिल होंगे। निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं एक आस, एक विश्वास, जो राष्ट्रहित की बात करता है उसमें हर एक व्यक्ति को विश्वास है। कल सांवेर विधानसभा के अनेक ऐसे व्यक्ति माननीय तुलसी साहब जी के नेतृत्व में अनेक लोग शामिल होंगे, उसके बाद महू के लोग शामिल होंगे, फिर उसके बाद मैं एक बड़ा कार्यक्रम इंदौर में करने जा रहा हूं जिसमें देपालपुर विधानसभा और इंदौर जिले के अनेक लोग और भी शामिल होंगे। विशाल भैया, इस बात में क्या हकीकत है कि जब आपने बीजेपी ज्वाइन किया उसके तो सांसद टिकट यहां से दे रहे थे, तो कुछ चर्चा चल रही थी? बातें बहुत है, क्योंकि आज की तारीख में कांग्रेस पार्टी के पास किसी प्रकार का कोई कैंडिडेट नहीं है। उसका सबसे बड़ा कारण है कि यह दिशाहीन हो चुकी है। आज भी इतना बड़ा इंदौर शहर होने के बाद और बातें करते हैं कि लाखों कांग्रेसी हैं लेकिन एक कैंडिडेट नहीं मिल रहा, या आप खुद समझ सकते हैं कि जीतू पटवारी जी की मंशा क्या चुनाव लड़ने के लिए कांग्रेस की तरफ से? हमेशा ही दरकरार रही है और हमेशा ही कहते आए। क्या आपने हामी भरी थी कहते? किसी प्रकार की मुझे मालूम है कि डूबते नैया पाँव में नहीं रखूंगा। सरदार पटेल तो कह रहे हैं कि किसी की माँ के दूध में ताकत नहीं है, कोई बीजेपी ज्वाइन कर ले, करा दे। कोई किसी को कराना या किसी को नहीं कराना ये मैं नहीं समझता हूँ, व्यक्ति विशेष अपना खुद का निर्णय लेता है। अब ये टिप्पणियाँ करना, ये जो बातें हुई मैं इस पूर्व में कह चुका हूँ, इन्हीं सब बातों के कारण ही जनता ने उन्हें ठुकराया था। कभी बीजेपी के संपर्क में थे? निश्चित तौर पर पहले भी आपने देखा होगा, उस परिवार का आप ही मीडिया के माध्यम से ही पता लगता था कि रोज कहीं ना कहीं वो संपर्क में थे। बीजेपी में शामिल हो रहे हैं उन्हें सत्यनारायण पटेल कचरा कह रहे हैं कि टेंचिंग राउंड में ऐसे लोग हैं। जो राम की राह पर चलने वाला व्यक्ति अगर राम का दामन थाम रहा है और ऐसे व्यक्ति को अगर व्यक्ति कचरा कहेंगे, तो मैं तो कहूंगा कि उनकी सोच के ऊपर धिक्कार है कि जो राम को कचरा कह रहे हैं। सवाल ये, जितने देशव्यापी प्रदेशव्यापी कांग्रेस से जो गया है वो स्वार्थ के लिए गया, एक दूसरा जो गया है वो हमारी मालवा में कहावत है, कचरा जो कहाँ फेंकने का होता, घोड़े पर, गांव में मालवा में कहावत है और शहर में वो कहावत परिवर्तित होती है कि टेंचिंग ग्राउंड में फेंका जाता है। उसका खाद प्रोसेसिंग होकर हम देश की फसल में, उसकी लहलाती फसल में जय जवान जय किसान के नारे को आगे बुलंद करेंगे। ताज़ा खबरों के लिए सब्सक्राइब करें JSR टाइम्स और साथ ही नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।